इंडिया इंस्टीट्यूट के साथ रेडियो मंत्रा आपके लिए पेश करता है मंत्रा हक से, जिसमें कहानियों और संवाद के माध्यम से आप अपने कानूनी अधिकारों मतलब लीगल राइट्स के बारे में जान सकते हैं। पंद्रह से 26 जनवरी 2016 के बीच प्रसारित हुई इस कहानी के लेखक हैं इंडिया इंस्टीट्यूट के सृजन दुबे। आज की कहानी का शीर्षक है सरकार की जवाबदेही। आज ही सूरज को अपना नियुक्ति पत्र मिला था। उसने सोचा कि सबसे पहले ये खुशखबरी अपने मास्टर बाबू को ही दे। वे वैसे तो ब्लॉक ऑफिस में क्लर्क थे, लेकिन गांव के स्कूल के अध्यापक अक्सर नहीं आया करते थे, जिस वजह से मास्टर बाबू खुद ही बच्चों को गणित और अकाउंट्स पढ़ाया करते थे। जब सूरज उनके घर पहुंचा तो उसने देखा कि मास्टर बाबू बाहर ही बैठे थे, काफी उदास नजर आ रहे थे। सूरज ने आदरपूर्वक उनके पैर छूकर उन्हें खुशखबरी दी और पूछा कि आखिर बात क्या है। मास्टर बाबू ने लंबी सांस ली और कहा, बेटा सूरज, पिछले 3 महीने से मुझे अपनी पेंशन ही नहीं मिल रही है। भुगतान ना होने की वजह से आज बिजली भी काट दी गई। पता नहीं क्या दिक्कत है, चिट्ठी लिख लिख कर परेशान हो गया हूँ। इस उम्र में अब कहाँ संघर्ष करूँ। ऐसा कहकर उनकी आंखें नम हो गई। सूरज से ये देखा ना गया, मास्टर बाबू आपने सूचना के अधिकार के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ बेटा, लेकिन RTI तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए है ना। जी, लेकिन इसके तहत आप किसी भी सार्वजनिक कार्यालय से जानकारी भी मांग सकते हैं, और वो भी सिर्फ 10 रुपए में। उन्हें या तो 30 दिन में जानकारी देनी होगी या ना देने का कारण बताना होगा, नहीं तो कर्मचारी की तनख्वाह भी कट सकती है। पेंशन कार्यालय भी सरकारी दफ्तर ही है, आप आज ही अर्जी दे दीजिए। मास्टर बाबू ने हताश होते हुए पूछा, एक तकलीफ है बेटा, कार्यालय तो यहाँ से मीलों दूर है, इस उम्र में मैं वहाँ कैसे जाऊंगा। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, जानकारी हमारे पास आएगी मास्टर बाबू, ये अर्जी हम डाक से भी भेज सकते हैं। जरा अपने कागजात लाइए, मैं अभी अर्जी भी लिखी देता हूँ। मास्टर बाबू का सीना गर्व से भर उठा। उन्हें खुशी थी कि जिस पेड़ को वो पाल रहे थे वो अब फल देने लगा था। आइए अब हम इस कहानी के बारे में विशेषज्ञों के विचार और आपके सवालों के जवाब सुनते हैं। आज हमारे साथ है मिस्टर दिव्य ज्योति जयपुरियार, जो पेशे से वकील हैं। चलिए जानते हैं उनसे RTI से जुड़े कुछ सवालों के जवाब। तो सबसे पहला सवाल, इम्पोर्टेंट बात क्या है RTI से रिलेटेड? एक जो ज्यादा जरूरी बात यह है कि RTI एक्ट में सिर्फ आप सूचनाएं मांग सकते हैं, आप अपनी किसी भी चीजों का शिकायत नहीं कर सकते हैं। और दिव्य जी, क्या ये 10 रुपए वाला रूल पूरे देश में कॉमन है? अगर आप किसी केंद्र सरकार के विभाग में RTI का एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो वहाँ 10 रुपए की फीस सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से लगेगी, लेकिन अगर आप राज्य सरकार के किसी विभाग में लगा रहे हैं तो वहाँ पर राज्य सरकार के हिसाब से फीस लगेगी, और ये 10 रुपए से कहीं ज्यादा भी हो सकता है। और ये एप्लीकेशन फीस है, साथ में अगर आपको फोटोकॉपी अगर चाहिए किसी भी डॉक्यूमेंट की तो उसके लिए अलग से भी फीस लगती है। कब मना कर सकते हैं इस RTI को देने से? अगर आपने RTI का एप्लीकेशन लगाया है तो कानून के अंतर्गत सिर्फ जो एग्जम्पशंस दिए गए हैं सिर्फ उसी एग्जम्पशंस पर ही वो मना कर सकता है। और खास तौर पर इसमें है, आप किसी थर्ड पार्टी के बारे में इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं या आपने कुछ ऐसा चीज मांगा है जिससे देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता को खतरा है। लेकिन अगर आपका RTI का एप्लीकेशन बहुत ही वेग है, बहुत ही उसमें क्लैरिटी नहीं है, तो आपको सूचना मिलने में परेशानी होगी। इसलिए ये बात बहुत जरूरी है कि आप जो भी RTI में एप्लीकेशन में सवाल पूछें, जो भी जानकारी मांगे, वो टू द पॉइंट हो। क्या RTI डालने वाले का नाम पता गुप्त रखा जा सकता है? RTI एक्ट में ये प्रावधान है कि जिन्होंने भी RTI एप्लीकेशन दिया है उसका नाम और पता बताना होता है, इसलिए नाम और पता गुप्त रखने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका नाम गुप्त रहे, आप ऐसा करें कि आप 4-5 लोगों का ग्रुप बनाएं और 4-5 लोगों के साथ मिलकर RTI फाइल करें। 4-5 एप्लीकेशन आएंगे तो एक तो आपका भीड़ में आपका नाम ही गुम हो जाएगा और दूसरे उन PIO पर एक दबाव भी हो जाएगा। ये पहल आपके हित में इंडिया इंस्टीट्यूट के नीति एक्सप्रेस अभियान द्वारा प्रस्तुत। इंडिया इंस्टीट्यूट एक लोक नीति संस्था है जिसका उद्देश्य है एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज की रचना करना। और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com पर इंडिया इंस्टीट्यूट TV चैनल।
और अपने कानूनी हक जानने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें iTorney ऐप, iTorney, iTorney योर पॉकेट लॉयर।